किसी पहचान के मोहताज नहीं होते और समय के अनुसार उनकी कला समाज में निखर कर सामने आ जाती है और वह नई ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण कलाकार इन दिनों महासमुंद जिले में नाम कमा रहा है। ग्राम खरखरी का देवराज विशाल नाम का यह मृदंग वादक जिला स्तर पर मृदंग वादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब राज्य स्तर पर प्रतिभागी करने के लिए संगीत साधना कर रहा है। कहा जाता है कि कलाकार किसी पहचान के मोहताज नहीं होते और समय के अनुसार उनकी कला समाज में निखर कर सामने आ ही जाती है और वह नई ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। इन दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर युवाओं को और ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाले कलाकारों को तराशने का काम चल रहा है, जिसमें सुदूर ग्रामीण इलाकों में कला साधना करने वाले कलाकारों को आगे आने का मौका भी मिल रहा है। ऐसा ही एक ग्रामीण कलाकार इन दिनों महासमुंद जिले में नाम कमा रहा है। ग्राम खरखरी का देवराज विशाल नाम का यह मृदंग वादक जिला स्तर पर मृदंग वादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब राज्य स्तर पर प्रतिभागी करने के लिए संगीत साधना कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा आगामी 14 जनवरी को राज्य स्तर पर युवाओं को तराशने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें महासमुंद जिले से देवराज विशाल मृदंग वादन में प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत दिनों ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर युवाओं को आगे लाने के लिए विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें सरायपाली ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम खरखरी का रहने वाला ग्रामीण युवा कलाकार देवराज विशाल भी प्रतिभागी बनकर शामिल हुआ था, जहां ब्लॉक स्तर पर मृदंग वादन में उसका चयन होने के बाद वह जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त कर महासमुंद जिले को गौरवान्वित किया। देवराज विशाल मृदंग वादन में अब राज्य स्तर पर महासमुंद जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। देवराज विशाल से संगीत साधना और मृदंग वादन को लेकर जब चर्चा की गई, तब उनका कहना था कि वह छोटे से गांव में निवासरत होने की वजह से उसे पहचान नहीं मिल पा रही थी, लेकिन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के बाद उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह विगत 20 वर्षों से संगीत साधना में जुटा हुआ है, जो अपने गुरुजन प्रधान से लगातार संगीत साधक कर रहा है। उसने बताया कि राज्य स्तर पर पहुंचने पर उसे काफी खुशी हो रही है और वह इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। जब देवराज विशाल के गुरु प्रधान से जब चर्चा की गई, तब उनका कहना था कि संगीत साधना में देवराज विशाल की उपलब्धि से वे काफी खुश हैं और क्लासिकल संगीत को बढ़ावा देने के लिए शासन से भी लगातार जगह जगह संगीत की पाठशाला संचालित किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय संगीत को नई दिशा मिल सके। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्हें गरीबी और अशिक्षा की वजह से पहचान नहीं मिल पाती है, लेकिन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इन दिनों जिस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, उससे अब ग्रामीण प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। लिहाजा देवराज विशाल जैसे कलाकार अब छत्तीसगढ़ राज्य में मृदंग वादन में अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। लगभग बचपन से कर रहा हूँ, 18-20 साल होगा। ये मेरे गुरु हैं जन्मजय प्रधान, पर्री पहन के रहने वाले हैं। यहाँ ये सिखाते हैं मेरे को और यहाँ साधन कर रहा हूँ तबला मृदंग का। तबला और मृदंग में आप लंबे समय से साधना कर रहे हैं जी, ये ऐसा अवसर पहले कभी आपको नहीं मिला था? नहीं, ये पहला बार है। पहली बार अवसर मिला था? हाँ। तो आप ब्लॉक स्तर पे चयन हुए, उसके बाद जिला में गए थे? हाँ सर, पहले मैं ये 15 नवम्बर को था, वहाँ सेलेक्ट हुआ और जिला को जाके वहाँ प्रथम पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार मिला है। अब मृदंग वादक में अब आगे क्या, कहाँ जाना है आपको? ये 14 जनवरी को राज्य को जाने के लिए मतलब मैसेज आया है, राज्य स्तर पर जाना है। हाँ, मृदंग वादन में। हाँ, आपको क्या लग रहा है, इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है शासन की ओर से? क्या है, अपना माँ बाप एक गांव के आशीर्वाद, ये हमारे गुरु हैं मेरा, इनके आशीर्वाद से मैं आगे जाके सफल होऊंगा, मेरा विचार है। हाँ, मैं बचपन से मैंने इस संगीत कला में अपना मन बनाया पहले, उसके बाद मेरे माता पिता की आशीर्वाद से मैंने इसमें ढला हुआ रहा, फिर भी अब धीरे धीरे, अब मैं रिटायर हो गया, पोस्ट मास्टर था 13 से, फिर ये संगीत कला अपने शिष्य मिलते, ऐसे नाट्य गुरु भी था पहले, उसमें बहुत से शिष्य हैं, हजार हजार शिष्य होंगे, बहुत सारे गांव से गए हूँ, और क्लासिकल के मेरा पहला शिष्य देवराज विशाल है। देवराज विशाल अभी एक उपलब्धि हासिल किए हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी है, और ये ऐसा यदि होता रहेगा तो ये संगीत जो सांस्कृतिक कला है,
ये मतलब आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। तो मेरा ये उद्देश्य है कि और इसको मैंने अच्छी तरह से हमारे देहात में जो छिपे हुए कलाकार भी होते हैं उनको भी यदि स्थान मिलता आगे बढ़ने के लिए, सरकार तरफ से भी कोई यदि सुविधा मिलता तो जैसे देवराज विशाल जी हैं और भी कई कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखा जा रहा है कि गांव देहात शहर क्षेत्र में जो लोक कला है, लोक संगीत है, उसको लोग भूल रहे हैं। आप एक संगीत गुरु हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसमें संक्षिप्त, ये तो संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, इसमें बहुत गुणत्व है। शास्त्रीय संगीत जो है मतलब मार्गदेशी विभागेणम संगीतम द्विविधम मतम, शास्त्रीय संगीत जो है मार्ग संगीत पर आधारित है और लोक जो है मतलब इसमें कोई नियम नहीं होता। तो क्लासिकल जो नियमित है और लोक संगीत जो अनियमित है, लोग अपने भाव मुक्त होकर उसमें भाव का प्रधान रहता है, शब्दों का प्रधान रहता है लोकगीत में, लेकिन शास्त्रीय संगीत में स्वर ताल और लय का प्रधानता रहता है, इसलिए उसमें बहुत कुछ गुण है जबकि ये लोक संगीत में उतने गुण नहीं होता। ये संगीत और लोक संगीत शास्त्रीय संगीत को प्रचार प्रसार के लिए शासन से आप क्या उम्मीद रखेंगे? मैं ऐसा उम्मीद रहूँगा कि हमारे जो प्राचीन संस्कृति है उसको बजाय रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मैं अनुग्रह करता हूँ कि अपने तरफ से अधिक इस प्रकार का सुविधा दे। जैसे हमारे खैरागढ़ में शास्त्रीय संगीत स्कूल है तो छोटे मोटे स्कूल हमारे देहात में भी कहीं अगर लगाया जाए तो हर लोग इस उपलब्धि को, संगीत को बना सकें और अपने आगे बढ़ सकें और जीवन को सफल बना सकें। संगीत में यही गुण है कि प्राचीन संगीत में वो रोगनाशक है, इसमें आत्मा परमात्मा प्राण ये सभी सम्मिलित हैं संगीत, जबकि एक मनुष्य संगीत के बिना नहीं रह सकता है। हर क्षेत्र में हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है, दुख सुख सभी में संगीत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अपने क्षेत्र क्षेत्र में कम से कम सुविधा संगीत की सुविधा बढ़ाई जाए। महासमुंद से किशोर